Hello everyone, good morning dear students. So in today's session we are going to start lesson number 7 from our English grammar book, the noun, cases, nominative, objective and possessive. So let's get started. First of all, what is noun case? A noun case is the case that shows the relationship between noun with other words in the sentence. नाउन केसेस कौन से होंगे? दे शोज, वो हमें शो करते हैं. क्या शो करते हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन विद द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. जो हमारा नाउन का दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में रिलेशनशिप को शो करते हैं, वो हमें नाउन केस के बारे में बताते हैं. मीन्स वो कौन सा केस है, वेदर इट इज नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज नॉमिनेटिव केस. What is nominative? Nominative case is when a noun or pronoun is used as a subject of the verb. It is said to be in the nominative case. To find the nominative, put who or what before the verb. So, nominative cases कौन से होते हैं? जब एक noun और pronoun sentence के अंदर as a subject use किया जाता है. And how would you recognize? आपको पता कैसे चलेगा कि nominative case कौन सा है? So, let's see the example. John threw a stone. Ram writes a letter. So, see what is written here to find the nominative. नॉमिनेटिव केस को सेंटेंस में फाइंड आउट करने के लिए पुट हु और व्हाट. आपको जो भी सेंटेंस दिया होगा उसके आगे आप उसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज कीजिए. चेंज द सेम इनटू इंटेरोगेटिव टू फाइंड आउट विच केस इट वुड बी. कि ये कौन सा केस है, नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव है या पोजेसिव है. इफ इट गिव्स यू द आंसर ऑफ हु और व्हाट, अगर वो आपको हु और व्हाट में आंसर दे रहा है, दैट मीन्स इट्स अ नॉमिनेटिव केस. सी द एग्जाम्पल, जॉन थ्रू अ स्टोन. So if I frame a question, John ने stone throw किया, who threw the stone? Stone किसने throw किया? So the answer would be John threw the stone. Ram writes a letter, who writes a letter? Ram letter लिखता है, कौन letter लिखता है? So you can see we can frame the questions by adding just who instead of John and Ram. Okay, so if we ask the question who threw the stone, John threw the stone. Who writes the letter? Ram writes the letter. So the answer is John and Ram. They are the subject. So John and Ram are the nominative case. So in both the sentences you can see we are talking about John and here we are talking about the Ram. So here they are the subject of the verb. That means these are the nominative case. Okay. Now next is objective case. When a noun or pronoun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. To find the objective, put whom or what before the verb of and its subject. A noun which comes after a preposition is also said to be in the objective or accusative case. See, जब नाउन और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट दिया होता है सेंटेंस में, दैट मीन्स इट इज़ अ ऑब्जेक्टिव केस. और ऑब्जेक्टिव केस का हमें पता कैसे चलेगा? जस्ट लाइक एज नॉमिनेटिव केस, एज इन नॉमिनेटिव केस वी फ्रेम ए क्वेश्चन बाय एडिंग हु. सो इन ऑब्जेक्टिव केस व्हेन द सेंटेंस इज गिवन वी विल पुट हुम और व्हाट. तो हम वहां पे हुम या व्हाट लगा करके उसको इंटरोगेटिव में बना करके देन व्हाट आंसर वी गेट, बाय दैट वे वी कैन गेट द आंसर विच केस इट वुड बी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव. सी द बुक इज ऑन द डेस्क. द नाउन डेस्क इज इन द एक्यूसेटिव केस गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन ऑन. तो यहां पे डेस्क हमारा क्या है, एक्यूसेटिव केस है, गवर्न्ड बाय द प्रेपोजिशन ऑन. यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन यूज किया है. जो हमारा ये बुक है, बुक इज ऑन द डेस्क, हमारी जो बुक है वो कहाँ पे है, इट इज ऑन द डेस्क. सी इट इज गिवन हेयर टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव. सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए पुट होम और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट. And a noun which comes after a preposition, जो noun preposition के बाद में आते हैं वो objective cases
होते हैं. सो हियर यू कैन सी ऑन इज आर प्रेपोजिशन एंड आफ्टर ऑन देर इज अ नाउन दैट इज द डेस्क. सो द डेस्क हियर इट इज ऑब्जेक्टिव केस. ओके माई अंकल गिव मी अ वॉच. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर द नेम्स ऑफ लाइवलेस ऑब्जेक्ट वॉच. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर पीपल एनिमल और प्रोनाउंस रिसीविंग समथिंग हियर मी. सो देर आर टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में, वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइफलेस थिंग्स होती हैं. दैट इज सी हियर, हियर वॉच इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. माई अंकल गेव अ वॉच, मेरे अंकल ने एक वॉच दी. एंड हु इज द इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं पीपल एनिमल प्रोनाउंस, मीन्स लिविंग थिंग्स जो होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे. और यहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है? मी. सो इफ आई राइट माई अंकल गेव अ वॉच, सो वॉच इज आर ऑब्जेक्ट. माई अंकल गेव मी, ये वॉच उन्होंने दी है, किसे दी है? मुझे दी है. सो वॉच इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इफ द सेंटेंस ओनली गिवन माई अंकल गेव अ वॉच, द सेंटेंस इज कम्प्लीट, मेरे अंकल ने एक वॉच दी है, ठीक है. सो द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज क्लियर टू अस. तो यहाँ हमें सेंटेंस की सेंस क्लियर हो जाती है. बट इफ इट इज गिवन माई अंकल गेव मी अ वॉच, सो हेयर मीज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वॉच इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज पोजेसिव केस. Now, how would you recognize possessive case and what is possessive case? When a noun is used to indicate possession, जब noun का use हम possession show करने के लिए, the possession means to have something, ownership of something, origin, authorship or kind of the other noun, it is said to be the possessive case. तो possessive case के अंदर क्या होता है? जब वो possession को show करता है, possession means to have something, आपके पास किसी चीज का होना, किसी चीज की ownership. Owner means मालिक, ठीक है. Origin, where the thing is originated, means where the things are produced. Authorship of or kind of other nouns, for example Ajay's school, Ajay ka school, the school where Ajay goes, wo school jahan Ajay gaya hai. A week's holiday, a holiday which lasts a week, wo holidays jo ek week ke liye hoti hain. A mother's love, the love felt by a mother, mummy ka प्यार. सो यू कैन सी हेयर वी यूज हेयर अपोस्ट्रोफे एंड एस, इट मीन्स दे आर शोइंग द पोजिशन. अजय स्कूल, अजय का स्कूल, सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अजय स्कूल. तो अजय के स्कूल की बात हो रही है. वीक्स हॉलीडे, वीक की हॉलीडेज की बात हो रही है. मदर्स लव, मदर के लव की बात हो रही है. सो दीज आर द पोजेसिव केसेस. ओके सो हेयर वी हैव अ वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज in which we have to read these sentences and say whether the colored words are nominative, objective or possessive cases. So see the first sentence, Rosie broke the window. So how would we recognize whether it is nominative, objective or possessive? We will make a interrogative sentence. So what will be the interrogative sentence? Who broke the window? Window kisne broke ki? Rosie ne. So here we are talking about the Rosie, and Rosie is the subject of our sentence, hence it is a nominative case. Okay, I told you that when we use the subject of the verb, it is nominative case. Now see the second one, the dog bite the boy. If I make an interrogative of this, who bite the boy? The dog. So the dog is our nominative case here. That Tagore, the poet's house. This is wrong sentence, so put a cross here. It does not make any sense. Iski koi sense nahi ban rahi hai. Next is, John reads a book. Who reads a book? John reads a book. So here we are talking about John. So this is our nominative case. Okay. Next is, this is Sarita's bag. Whom we are talking about? We are talking about Sarita's bag. It means position is given here. So this is possessive case. Okay, next is, the horse eats grass. Who eats the grass? The horse eats the grass. So here the subject is, we are talking about the subject, so this is nominative case. A man killed a snake. Who killed a snake? The man. A man killed a snake, so this is our nominative case. Next is, she has gone to the baker's. Baker, see, she has gone to the baker's. Apostrophe and S is given with the baker. So this is possessive case.
Next is, my sister gifted me a pen. So you can see here, two objects are given here. My sister gifted a pen. मेरी सिस्टर ने एक पेन गिफ्ट किया. सो पेन इज आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी इज आर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हैंस इट इज अ ऑब्जेक्टिव केस. ओके, दिस इज शेक्सपियर्स नॉवल. ये शेक्सपियर्स के नॉवल हैं. अगेन पोजेशन इज शॉन हेयर. सो दिस इज आर पोजेसिव केस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आर नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केसेस. ओके, see you in the next video. Bye, have a good day, see you soon.